आज का हमारा अनदर व्लॉग। आज हम अपने चिक्स को रोटी डालेंगे, और जैसे कि आपको पता है हम पहले फीड ऐड करते थे, आज हम फीड ऐड नहीं करेंगे। आज हम चीज़ एक है वो ऐड करेंगे, उसका नाम है चने की दाल। जैसे कि हम खाते हैं चने की दाल, आज वो हम ऐड करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी रोटी, ये दाल और ये खाली बर्तन लेना आप लोगों ने। ये अच्छी तरह ये हमने कूलर भी लगा लिया, इसका शोर बहुत है। अगर इसका शोर आएगा तो मेरे से माजरत है, क्योंकि ब्लॉग भी तो बनाना हमने। ये आपने आधी रोटी लेनी है, वही तरीका है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करके आपको मिलती, देखे ना मैंने, देखे अच्छी तरह भिगोई नहीं है, और अभी भी ये देखिए डलियाँ बनी हुई है मजबूत मजबूत। इसलिए आप ज़्यादा भी गोया करें रोटी, ज़्यादा मतलब ये कि ज़्यादा देर भी गोया करें। अब ये देखें, अब इतनी थकत है, ये देखें इतनी मुश्किल से टूट रही है। अब यहाँ से हाथ साफ करते हैं, ये हाथ साफ कर लिया मैंने। अब फिर वही काम अच्छी तरह से करना, ये देखें ना, ये देखें, ये देखें कितनी मुश्किल से टूट गई है। अब भिगो भी नहीं सकता, अगर भिगोऊंगा तो ये ऐसे ही बन जाएगी, सारा पानी जैसी बन जाएगी। इसलिए अब हम ऐड करते हैं इसमें चने की दाल। पहले हमें इतनी सी दाल लेनी है, ये हमें इधर मिक्स करनी है अच्छी तरह, ये अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह ये मिक्स करनी है, अच्छी तरह मिक्स करनी है अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करनी है, अच्छी तरह अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब ये हाथ फिर हो गए, फिर आपने इसको पानी के साथ साफ कर लेने हैं, और ये बाकी जितनी रह गई है आप इसको फिर इसके अंदर डाल दें। अब फिर इसको अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह करी जाना करी जाना। ये आपने दाल लेनी है कम से कम इतनी दाल, आधी रोटी बहुत है पूरी रोटी के लिए, पूरी दाल। और आपके चूजे बड़े क्यों नहीं हो रहे, अगर इस चीज़ सब तो नहीं हो रहे तो आपके घर कुछ भी बना हुए, जैसे कि कोई सब्जी भी नहीं है उसके छिलके वगैरह डाल दें। ये आप अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह देखिए, इसका कलर देखें आप, पीला पीला कलर हो गया दाल का कलर, पीला इसलिए ना पीला पीला हो गया। देखिए देखें अभी भी हुई भी आप क्या करूँगा यार, कम से कम 20 मिनट मैंने भिगोया, 20 मिनट 15 मिनट भिगोया मैंने। गाइस ओ एक और बात, अगर आप कमेंट करें, अगर मैं मेरा माइंड कह रहा कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊं, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगर रोज़ाना व्लॉग बनाऊँ ना, हफ्ते में 3 व्लॉग तो लाजमी आएंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब फिर हाथ धोने हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। अभी तक हाथ साफ नहीं है, हाथ साफ कर लिया हमें, अब ये डालते हैं इनको। ये देखें शुरू को कितना बेताबी है कि मैं जल्दी से मम्मा खाऊं। देखें कितने कितने बड़े हो गए चूजे हमारे,
ये देखना मैं खोलूंगा, इन्होंने डायरेक्ट आ जाना। देखिए आया, अब इनका ये अंदर डालना और ये बर्तन इनका निकालना। शेरू जी अंदर जाओ, ये तो दो है, ये ब्लैक वाला के कहाँ गया, इसको ब्लैक वाले को भी पकड़ दिया। इधर खे इधर खा रहा है भाई जान, ब्लैक पैंथर अंदर जाए, अंदर जाके मजे मजे इसको भी डाल दिया अंदर। ये आप देखें, ये आप प्रूफ देखें, फीड का प्रूफ देख लें, खाली रोटी का प्रूफ देख लें, और आप इसका प्रूफ देख लें। अगर जो सा तीनों में से जो सा प्रूफ अच्छा लगता है वो अमल करें, इंशाल्लाह आपके चूजे दिनों में बड़े होंगे। देखें ये सील है, इसकी पूंछ भी आने लग गई है, ये मेल है और वो फीमेल है, लिया करी। देखें कितने शौक से खा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि ये देखें देसी देसी को पता नहीं क्या मसला है, ओ मार रहा। हाँ जी बात मैं कर रहा था, मैं जो कह रहा हूँ दाल अला तरीका बेस्ट है, क्योंकि देखें इतने शौक से खा रहे हैं। फीड है, फीड का थोड़ा रिस्क है, क्योंकि देखें ना रोटी और फीड गर्म होती है। और गर्मियों से मेरी गुंजाइश है आप लोगों से, गर्मियों में आप कम से कम ना ठंडी चीज़ें डालें, खीरे वगैरह, खरबूजा आप लोग खाते हैं, तरबूज खाते हैं आप लोग, वो आप उसके छिलके डाल दें, वो आप डालें, इंशाल्लाह आपके चूजे भी बड़े होंगे और आपके चूजों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन आप ये आप देसी देख लें, ये कम से कम महीने का भी नहीं है, 25 दिनों का भी नहीं होगा, ये 20 दिनों का होगा, देख लें कितना बड़ा। और देसी देख लें आप, ये कम से कम जब मैं लाया था मुझे 13 दिन हुए हैं और इतना सा लिया था ये हमने, ये तो इतना सा हुआ, इतना सा ऐसा था कि 3 दिन नहीं हुए अंडे से निकले थे, इसको ज़्यादा था, इसको था कि 5-6 दिन हुए अंडे से निकले थे और इनको कम से कम 13 दिन हुए हैं मेरे पास 13 दिन हुए हैं। वो देखे ना देसी को शर्म नहीं है, बीच में इन्होंने खाना है। देखे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो यही होगा, शुक्र जाएगी रोटी, शुक्र का ये हाल हो जाएगा। और ये फीड वाली थी, आपको फीड भी नजर आ रही होगी। अरे खाई जाओ मज़ेदार बनाया, अरे देखिए कितने मज़े का है, खाई जा रहे हैं फोटा फुल करेंगे भी। मैंने रोटी डाल दिया, अब मुझे सुकून हो गया, सुकून इस चीज़ का हुआ है, चू 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 किया होता है उन्होंने। मुझे तो लग रहा है ये भी रोटी ज़्यादा डाल दिया मैंने, ये देखे ना इस बारी भी रोटी ज़्यादा डाल दिया। अब हमने ना ये बर्तन वॉश करना, इस बर्तन को वॉश करते हैं, उनको बंद कर देते हैं। ये बर्तन है, इसको वॉश करना हमने, ये हमने नलका खोला, ये ब्रश लिया कुछ तरह, ब्रश में बना। अब ये नलका बंद अच्छी तरह बना, जिसका पानी है हम इधर कर देते हैं। ये जो है ये अब हमने खाली किया, अब ये भी गंदा, इसको अच्छी तरह अब साफ करते हैं। रोटी थी ना, अगर रोटी हम उस नाली के अंदर गिरा देते तो हमें गुनाह मिलना था, अल्लाह ताला ने गुनाह देना था, हमने ऊपर कर दिया, ऊपर से कोई चीज़ खा लेगी, कबाब वगैरह कोई खा लेगा ऊपर से,
और कीड़ियाँ ले जाती हैं। अच्छी जगह अच्छी तरह करना है, पानी वेस्ट हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह जब हमने खाली से अच्छी तरह करना है। अब फिर पानी खोलते हैं, अच्छी तरह ऐसे कितना सारा रोल निकाल देते हैं। आप कह रहे होंगे ये बर्तन ये क्या हुआ बर्तन को, ये हमारे लबड़ के काम है। देखें सारे ने कच्ची 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 किया हुआ। चले ये बर्तन, ये हमारे लबड़, ये हमारे चूजे, ये हमारे कबूतर, और ये हमारा मास्टर केज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।